बच्चों, कैसे हो आप सब? हाँ, मुझे आशा है आप सब ठीक हो, क्योंकि ठंड भी बहुत है, तो आप सबको अपना ध्यान रखना है। यस, स्वेटर और टोपा या कैप्स को जरूर पहननी है। यस बच्चों, आज वापस आती मैं आपके लिए हिंदी विषय के साथ आपके सामने है। यस, आज हम हमारा हिंदी विषय और उसमें हम क्या सीखने वाले हैं? हमारे नए व्यंजन। यस, हमारी वर्णमाला के दो नए व्यंजन सीखेंगे। जैसे हमने पहले के वीडियो में क से कबूतर और ख से खरगोश सीखा था, हाँ, तो आज मिस आपको दो नए व्यंजन सिखाएगी और वो कौन से हैं? चलो हम देखते हैं। तो हमारा तीसरा व्यंजन क से कबूतर, ख से खरगोश और उसके बाद आता है घ से गमला। घ से गमला, यस, और उसके बाद घ, घ से घड़ी, घ से घड़ी। तो आज मैं आपको ये दो व्यंजन के बारे में और ज्यादा सिखाने वाली हूँ। तो चलो हम सीखते हैं घ से और घ से और कौन से शब्द होते हैं। तो बच्चों देखो, ये है क और क से क्या होता है? क से कबूतर। तो बच्चों ये देखो, ये क्या है? हमारा पहला व्यंजन क। क से कबूतर, क से कबूतर। उसके बाद हमारा दूसरा व्यंजन ख। हाँ बच्चों, ये ख भी हमने सीख लिया है। तो ख से क्या होता है? ख से खजाना। ओ माय गॉड, देखो तो कितना सारा खजाना है यहाँ पे। तो ख से खजाना। तो ख से खजाने के बाद क्या आता है? ग। हाँ, आज हम ये नया व्यंजन सीख रहे हैं, ये है ग। ग से गमला, घ से गमला। देखो तो कितने प्यारे फूल है ये गमले में। यस, तो ये गमले में हमने आपको भी ऐसे फूल डालने हैं, पौधे डालने हैं और ये पौधों को पानी देना है। तो हुआ ना घ से गमला। और ये है ग से गदा। हाँ, आप सभी जानते हो कि हनुमान जी की प्रिय गदा होती है ना, तो ये हुई घ से गदा। घ से गदा, घ से गदा, घ से गदा। आप सबको पता है ना गदा कैसे बोलता है? हौची हौची। तो ये हुआ घ से गदा। तो हमने पहला घ सीख लिया और ये अब हम सीखेंगे घ। घ, तो घ से क्या होता है? घड़ी। हाँ, घ से घड़ी। तो घड़ी हमें क्या दिखाती है? घड़ी हमें समय दिखाती है, टाइम दिखाती है। और बच्चों, हमारे समय और हमारे टाइम को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। यस, हमें समय का सदुपयोग करना होता है। उसके बाद घ से घनश्याम, घ से घनश्याम। जो कृष्ण कन्हैया है उन्हें हम घनश्याम भी कहते हैं। तो ये हुआ घ से घनश्याम। तो फिर आया घ से घनघोर। ओ माय गॉड, जब बारिश होती है तो पूरा आसमान बादलों से घनघोर हो जाता है। तो ये हुआ घ से घनघोर। और फिर घनघोर होने के बाद क्या होता है? जोर से बारिश आती है। यस बच्चों, अरे वाह, और ये क्या है? ये है गम घड़ा। घ से घड़ा। आप सभी को पता है, आप सबके घर में ये घड़ा होता है ना। और मम्मा इसमें क्या रखती है? पानी। हाँ, पीने का पानी। तो बच्चों घ से हुआ घड़ा
और पानी तो हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। यस बच्चों, तो आज हमने घ से घड़ी, घ से गमला, यस और घ से घड़ा, घ से घर, ये सारे शब्द सीखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे व्यंजन सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।